वेलकम टू आवर चैनल न्यूमरो समाधान। मोबाइल आज हमारे जीवन की सबसे जरूरत की सामान मोबाइल। सोकर उठते हैं तो पहले मोबाइल को ढूंढते हैं, सोने जाते हैं तो बिस्तर में मोबाइल को बगल में रखकर सोते हैं। मोबाइल हमारी जिंदगी, हमारे नेचर, हमारे स्वभाव में उतर गया है। परिवार का एक अभिन्न अंग बन गया है मोबाइल। आइए आज हम चर्चा करेंगे मोबाइल नंबर से किसी व्यक्ति के स्वभाव को कैसे समझा जाए। आपका मोबाइल नंबर क्या कहता है आपके विषय में? जिनके मोबाइल का टोटल आता है 1, जिनके मोबाइल का सभी 10 अंकों को जोड़कर जो योग है वो 1 आता है, ये बताता है कि ऐसे व्यक्ति टीम बिल्डर्स होते हैं, जुगाड़ की क्षमता होती है ऐसे व्यक्ति में, इंटरप्रेन्योर होते हैं। और 1 से 6 साल यदि आपको इस मोबाइल को व्यवहार करते हुए हुआ तो 100% ये जो रिजल्ट है ये आपको देता है। काम में लगन रहता है, मेहनत से ऐसे व्यक्ति को सक्सेस मिलती है। शुरू करते हैं कैरियर, छोटे उम्र से शुरू करते हैं। ऐसा नंबर पॉलिटिक्स के लोगों को, राजनीति से जुड़े व्यक्तियों को बहुत शुभ होता है। जिनका अपना काम है उनके लिए भी ये नंबर, जिनका अपना व्यवसाय है, ऐसा नंबर बहुत फेवरेबल होता है। कॉन्फिडेंस की थोड़ी कमी होती है और किसी काम को प्रारंभ करने में थोड़ी दिक्कत होती है। ये 1 नंबर जिनके मोबाइल का टोटल आता है, उनका व्यक्तित्व, उनका नेचर ऐसा होता है। यदि किसी के मोबाइल नंबर का टोटल 2 आता है तो ये क्या कहता है उस व्यक्ति के बारे में? ये सूटेबल फॉर जॉब और सर्विस लाइन के व्यक्ति, जो नौकरी करते हैं कहीं, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, ऐसे व्यक्तियों के लिए ये नंबर शुभ होता है। रेस्टोरेंट व्यवसाय में जो होते हैं, होलसेलर होते हैं, नर्सिंग होम, पढ़ाने के व्यवसाय में, टीचिंग के व्यवसाय में, आर्ट रिलेटेड कोई व्यवसाय करते हैं, सिंगल हों, शादी नहीं हुई है या लेट मैरिज उनके जीवन में एक कारक बन गया है, ऐसे व्यक्तियों के लिए जिनका मोबाइल नंबर 2 आता है बहुत अच्छा होता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें कि ऐसे व्यक्तियों को बेस्ट नंबर है यदि लास्ट में 2, 3 और 5 आता हो। ध्यान रखिएगा, यदि टोटल नंबर 2 आए और आपके मोबाइल के 10 अंकों में अंतिम के 3 अंक 2, 3, 5 हों तो ऐसे व्यक्तियों को ये बहुत शुभ माना जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में बाद बाकी अंक 3 से लेकर 9 तक क्या कहता है आपका मोबाइल नंबर, क्या कहता है आपके व्यक्तित्व के बारे में, ये चर्चा करेंगे। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और बताइए कि क्या आपका मोबाइल आपके स्वभाव से मिलता है, क्या आपका मोबाइल आपके स्वभाव के बारे में बताता है। धन्यवाद।